और भाई अपना जो स्लीपर का जो टिकट था वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, ऐसे ही जाएगा भाई। भाई पूरा खतरनाक भूतिया घर है भाई, इधर देखो भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सरगम सिंह आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। तो सबसे पहले बड़ों को नमस्ते, साथियों को हेलो एंड छोटों को हर हर महादेव। सो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। तो भाई आज का जो वीडियो होने वाला है, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ कि आज मैं यहाँ से अपने होम टाउन औरंगाबाद से बाई ट्रेन जाने वाला हूँ दिल्ली। सो ये है हमारा भाई सामान, हमारा बैग, दो बैग है, इसी को लेकर जाने वाला हूँ। एंड भाई सबसे ज़्यादा मैं किसी चीज़ को मिस करूँगा तो भाई वो है हमारी बाइक, हमारी धन्नू, बहुत ज़्यादा इसकी याद आएगी। बट टेंशन नहीं लेना भाई लोग, अभी पहले सेटल हो लेते हैं, इसके बाद इसको हम लेकर चलेंगे फिर दिल्ली। क्योंकि इस पहले अपने आप को भाई सेटल वहाँ पे कर लें, वहाँ पे देख लें कहाँ पे रहने का क्या है व्यवस्था, मतलब सारा कुछ सेटल करके इसके बाद इसको लेकर के वहीं जाना है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं खुद अकेले ही जा रहा हूँ यहाँ से, वो भी ट्रेन से। और एक चीज़ और कि भाई अपना भाई टिकट भी कंफर्म हुआ नहीं है ट्रेन का, तो फुल एडवेंचर के साथ जाना है भाई, जैसे तैसे बैठ करके। अब शायद हो जाए, 3 घंटा भी टाइम है, अभी टाइम हो रहा है एक्चुअली में 1:30, 1:30 बज रहा है, तो 3:30-4 बजे तक ट्रेन अपना आएगा, शायद कंफर्म हो जाए सीट। वेटिंग लिस्ट दिखा रहा था 10:11, तो शायद हो जाए, कैंसिल भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है, आइडिया कुछ भी नहीं है। तो फुल एडवेंचर के साथ चलना है भाई। सो गाइस फाइनली अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने घर के पास से। तो भाई चलिए आप लोग हमारे इस वीडियो पे बने रहिए। एंड ये भाई अपना सामान, एंड इधर भाई अपना गाड़ी से भी जा रहे हैं स्टेशन, स्टेशन पे हमको ये छोड़ेंगे एंड इसके बाद फिर हम ट्रेन पकड़ेंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं स्टेशन अभी, एंड ये है स्टेशन अनुग्रह नारायण, जो हमारा नियरेस्ट स्टेशन है औरंगाबाद का। तो अभी ट्रेन आने वाला है जस्ट। और भाई एक और अपडेट आपको दे देते हैं भाई कि अपना जो स्लीपर का जो टिकट था जिसको कंफर्म होना था वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, टिकट कंफर्म नहीं हुआ भाई। तो आपका भाई जनरल टिकट ले लिया है एंड इसके बाद ऐसे ही जाएगा भाई, देखते हैं अगर टीटी मिलता है तो बात बात करके फिर अपना सीट का एडजस्टमेंट कराते हैं, अगर नहीं मिलता तो फिर देखते हैं उपाय कुछ किया जाए। तो ये है भाई अपना अनुग्रह नारायण स्टेशन, ज़्यादा बड़ा स्टेशन तो है नहीं, छोटा ही है। भाई टिकट हमारा कट चुका है, देखिए भाई फाइन के साथ 250 भाई फाइन लगा एंड 240 रुपये भाई टिकट का था प्राइस। तो भाई कट गया हमारा बढ़िया से, और सीट भी अभी तक नहीं मिला है, पता नहीं आगे सीट मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। यहाँ से अभी 12 घंटा का सफ़र है, सुबह 6:30 बजे पहुँचेंगे शायद, तो मिलते हैं फिर आगे, देखिए क्या क्या होता है भाई। अभी हम पहुँच चुके हैं अभी दिल्ली के बस में चढ़ चुके हैं और यहाँ से अभी जा रहे हैं रूम पे। और भाई बहुत गंदा रात रहा आज का, हालत ख़राब हो गया भाई, सो ही नहीं है भाई पूरा रात। बस चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट रूम पे, भैया का रूम है वहीं जा रहे हैं, पूरा मूड ख़राब हो गया भाई, टिकट कंफर्म ही नहीं हुआ, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया भाई।
स्लीपर बोगी में इतना ज़्यादा इतना गंदा वाला भीड़ था भाई, लग रहा था जैसे वह जनरल बोगी है, क्या ही बता आपको। मैं बस से उतर के भाई पहुंच चुका हूँ करोल बाग, और अपना जो भैया हैं वो यहीं पे रहते हैं करोल बाग में ही। तो भाई उनका ये सोसाइटी है, जो भी सोसाइटी है भाई यहीं पे वो जॉब करते हैं। तो मैं कैमरा को आगे घुमा लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक दो बार आ चुका हूँ तो मुझे रास्ता अच्छे से पता है, उनका घर भी जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं उसी में वो काम भी करते हैं। और भाई इधर है छोटा मोटा ये गार्डन पार्क, काफ़ी बढ़िया एरिया है भाई। हालत भाई ख़राब हो गया था मेरा आज, और अभी टाइम हो रहा है गाइस 10:40, बहुत लेट ट्रेन था, 8:30 बजे पहुँचाया था यहाँ स्टेशन। और भाई उनका जो घर है ना एक्चुअली गाइस बहुत ही ख़तरनाक घर है, बहुत ही हैवी, आपको दिखाएंगे तो भाई आप डर जाओगे। यही है घर, ये देख रहे हो पूरा खंडर के जैसा, यही इनका घर है। मतलब इनका अपना घर है नहीं, यहाँ पे ये काम करते हैं इसी घर में। और बहुत ही डेंजर, बहुत ही डरावना घर है भाई। चलते हैं अंदर, गेट खुला हुआ है भाई, इनको पता है इसलिए ये गेट खोल के रखे हुए हैं। इनको पता हुआ था कि मैं आ रहा हूँ तो ये भाई गेट खोल के रखे हुए हैं। और भाई पीछे से दिखाते हैं, आगे से क्या देखोगे, इधर से दिखाते हैं फ्रंट। तो भाई ये है इनका घर जहाँ पे ये काम करते हैं ऑफिस, और अपना भैया इधर सोए हुए हैं मस्त। देख लीजिएगा इस 10:30 बज गया, 10:30 बजे तक ये लड़का भी सोए हुए है मस्त गेट वेट खोल करके। और भाई ये है, देख लो भाई दिल्ली में लोग कैसे रहते हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। यही इनका काम भी है, इसी को देख रेख करना इनका काम है, पर यहीं पे ये रहते भी हैं। देख लो भाई घर कितना ख़तरनाक घर है ये, माय गॉड भाई, इंसान आएगा डर जाएगा भाई इस घर में, पूरा भूतिया घर लग रहा है भाई साहब, यहाँ पे तो हॉरर मूवी शूट हो जाएगा भाई, क्या ही खतरनाक घर है भाई। इधर देखो भाई, ये देखो भाई, ये देखो घर पे पेड़, इधर देखो भाई, ये पूरा भाई मंजूरिका वाला जो है ना आमी जे तुम्हार भाई साहब, उसी टाइप का घर है ये। हालत ख़राब हो जाएगा भाई इंसान का इस घर में रहने में भाई, पूरा ख़तरनाक भूतिया घर है भाई। कैसा लग रहा है गाइस, आपका भाई 2-3 दिन यहीं पे रुकने वाला है भाई, अभी से ही डर लग रहा है क्या पता है। कैसे भाई यहाँ पे ये रहते हैं अकेले, समझ में नहीं आ रहा भाई। मैं तो एक बार आया था ना भाई साहब, तो देख के मैं भाई रात में यहाँ नहीं रुका था, और अभी आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी रूम देखना है, ढूँढना है, जहाँ पे मेरा कॉलेज है वहीं पे रूम भी देखना है, ढूंढना है। और इसके बाद क्योंकि भाई अभी तो यहाँ 2-3 दिन तक तो भाई मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा एनी हाउ, तो भाई इसी में रहना है। देख लो भाई गरीब लोग की यही लाइफ होता है भाई, जैसे कि हम लोग गरीब इंसान है ना भाई, कैसे भी करके यहाँ रह जाना है भाई साहब। कभी भी ये घर बैठ जाएगा भाई, कभी भी टूट सकता है, देख लो इंसान यहाँ पे कितना रिक्स लेके रहता है। सो गाइस यही था आज का व्लॉग आज तक का, तो अगर आप सबको अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर करिए वीडियो को, और अपने भाई को सपोर्ट करो यार, जल्दी से 1K सब्सक्राइबर पूरा करवाइए। ये घर देख करके अगर आपको मज़ा आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और हाँ अगर आप लोग कमेंट करेगा तो भाई रात में भी इस घर में शूट करेंगे। वैसे तो मैं यहाँ पे रुका नहीं आज तक रात में, अगर आप लोग बोलेंगे तो इस घर में मैं भाई रात का भी वीडियो बनाऊंगा कि क्या होता है रात का नज़ारा। अगर आपको देखना है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो आपका भाई ज़रूर वीडियो बनाएगा, एक नाइट व्यू दिखाएगा भाई क्या इधर का इस घर का। सो चलते हैं फिर, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हर हर महादेव।